दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसके लिए न केवल घर और मंदिर बल्कि देश के सभी शहर तैयार होते हैं। सभी शहरों के बीच भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की सजावट और दीपोत्सव के लिए हो रही तैयारियां हमेशा ही मन मोह लेती हैं। इस साल भी अयोध्या में दिवाली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। घाटों पर लाखों दिए और लेजर शो के साथ सुंदर फूलों की सजावट से पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। दीपोत्सव के लिए कुंटलो लड्डू और अन्य मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। किसी चीज में कमी ना रहे इसके लिए पहले से ही स्टॉक में सामान बना करके रखा जा रहा है। इन सभी तैयारियों के साथ अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे बहुत सी चीजें हो गई, जैसे रोड चौड़ा हो गया है, यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, हम लोगों की बिक्री पर भी असर पड़ा है, बिक्री पहले के अपेक्षा ज्यादा हो रही है। बाकी मुख्यमंत्री जी के दौरा करने से जो है यहाँ पे थोड़ा विकास कार्य जो है तेजी रहता है। दीप उत्सव की वजह से श्रद्धालु बाहर से आते हैं देखने के लिए, अब जब श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ बिक्री तो बढ़ेगी ही, तो बिक्री पे जो है फर्क तो रहता ही। तो क्या कुछ लड्डुओं को भी, जैसे आपको देखा गया कि आप बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनवा रहे हैं, कितने ज्यादा बनवाने पड़ते हैं, क्या कुछ इसमें रहता है? लगभग कई कुंटलों में हम लोगों को लड्डू बनवाना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं मतलब टाइमली जो है इसमें 10 से 12 घंटा लगता है, इसलिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाता, तो एक दो दिन का स्टॉक हम लोगों को लेके चलना पड़ता है।